वीवो ने हाल ही में अपनी लेटेस्ट V29 सीरीज को टीज कर दिया, जिसे माना जा रहा है कि जल्दी इसे इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। और माना ये जा रहा है कि कंपनी इस सीरीज में 3 अपने नए वेरिएंट्स लॉन्च कर सकती है, जिसमें वीवो V29, V29e और एक प्रो वेरिएंट भी मिल सकता है। तो इन तीनों स्मार्टफोन्स को लेकर नए नए लीक सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आया कि ऑफिशियल डेट क्या होगी इसके लॉन्च की, लेकिन बहुत सारे पावर पैक फीचर्स इस सीरीज में देखने के लिए मिल सकते हैं। इस सीरीज की सबसे खास बात ये होती है कि कंपनी बजट प्राइस सेगमेंट में बहुत सारे पावर पैक फीचर्स इस सीरीज में सेट करती है। तो सबसे पहले कंपनी ने सीरीज को एक मास्टरपीस टैगलाइन के साथ जो है इसका नया टीजर जारी किया है। अब खास बात ये है कि इसके लिए एक स्पेशल माइक्रो साइट भी तैयार की गई है, जिसमें फ़ोन के कुछ थोड़े बहुत जो फीचर्स हैं उनको टीज किया है। तो सबसे पहला जो है इसका डिज़ाइन है, तो इस फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो स्लिम होगा, स्लीक होगा और ये लाइट वेट होगा। और वीवो हमेशा से ही अपने फ़ोन के डिज़ाइंस पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। और अब आपने देखा है कि यूज़र्स के बीच में लाइट वेट फ़ोन्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और वीवो हमेशा से इस सेगमेंट में लीडर रहा है, क्योंकि वो हमेशा एक लाइट वेट और स्लिम फ़ोन तैयार करता है जो कि फ़ोन को बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है। और एक और चीज़ ये भी मानी जा रही है कि फ़ोन आई कैचिंग कलर्स के साथ आएंगे। हालांकि जो कलर्स होंगे वो अभी तक ऑफिशियल नहीं हुए हैं, लेकिन इसके जो वेरियंट्स हैं वो सामने आ चुके हैं। इन तीनों स्मार्टफोन्स को 2 स्टोरेज वेरियंट्स में लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें 8GB रैम से लेकर 256GB तक की स्टोरेज का सपोर्ट मिल सकता है। और अब आते हैं प्राइस सेगमेंट पे, तो इस सीरीज को मिड रेंज सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा और ये 30,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में आ सकती है। तो तीनों ही वेरिएंट्स जो है वो आपके 20,000 से 30,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में होंगे, जिसमें आपको एक बजट सेगमेंट वाला फ़ोन मिलेगा। और जो थर्ड वेरिएंट होगा वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे फीचर्स के साथ आएगा और वो आपका 30,000 रुपये के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। तो फीचर्स की बात करेंगे तो खास बात ये है कि इन फोन्स में स्नैपड्रैगन का एक चिपसेट जो है वो देखने के लिए मिलेगा, और लीक्ड फीचर्स के मुताबिक इसमें स्नैपड्रैगन क्वालकॉम 480 या फिर 480 प्लस चिपसेट मिल सकता है। और ये काफ़ी अच्छा चिपसेट है, ये फ़ोन की परफॉर्मेंस को अच्छा बनाता है, मल्टीटास्किंग के लिए बहुत अच्छा है और मिड रेंज सेगमेंट में अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो अगर आपको 30,000 रुपये से कम में क्वालकॉम का चिपसेट मिल रहा है तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो फिलहाल के लिए अभी ये सारे फीचर्स हैं जो वीवो की V29 सीरीज़ में देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी इसके कैमरा और बैटरी फीचर्स को लेकर बहुत ज़्यादा डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे भी इसके फीचर्स आते रहेंगे हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे। तो वीवो की अपकमिंग V29 सीरीज़ को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, इसका डिज़ाइन कैसा लगा और इसमें मिलने वाले फीचर्स जो हैं, अगर आप भी ऐसे कोई फीचर के बारे में जानते हैं तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।